मंगलवार को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इससे पहले सोमवार को सीएम योगी ने 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। आपको बता दें कि लोक भवन में उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर के साथ गांव गरीब पर भी फोकस होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, तो वहीं अब नवाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। 100 दिन में 525 एनकाउंटर हुए, तो वहीं 62 माफिया की 284 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, तो वहीं धार्मिक स्थलों से 54,400 लाउडस्पीकर भी हटवाए गए। फ्री राशन योजनाओं को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर सपा और कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 33 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं विधान परिषद में कांग्रेस मुक्त हो गई। इसके अलावा भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी जीत हासिल की। यूपी में 37 साल बाद पहली बार किसी सीएम ने दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया, दूसरी बार भी जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।